आज मैं बनाने वाली हूँ स्वीट डिश, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेसिपी है और खाने में बहुत ही लाजवाब लगती है और फटाफट से बन के तैयार हो जाती है। वैसे तो इसमें मावा वगैरह बहुत सारी चीज़ें डलती हैं, लेकिन मैंने इसको बहुत इजी तरीके से बनाया है और ये फिर भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी थी। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं लौकी और इनको इस तरीके से मैंने काट लिया है। बीज का हिस्सा आप चाहे हटा सकते हैं या चाहे नहीं हटा सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो वैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है घी। घी आप ज़्यादा ही क्वांटिटी में रखिएगा, कम मत कीजिएगा घी, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा सामान ऐड नहीं करने वाले हैं, बहुत थोड़े सामान में हम इसे बना रहे हैं, इसलिए कम से कम घी का यूज़ अच्छे से कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने घी गर्म कर लिया है और इसमें मैं ये सारी जो लौकी हैं कटी हुई मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इनको अच्छे से हम भून लेंगे। थोड़ा सा इनका कलर तो चेंज नहीं होना चाहिए, बस हल्का हल्का सा हो जाए तभी हम इसे बंद कर देंगे गैस को। तो देखिए इस तरीके से चलाते हुए आप इसे फ्राई कर लीजिए, अच्छे से भून लीजिए। कद्दूकस करके भी आप इसे भून सकते हो, लेकिन मैंने सिर्फ इसे इसी तरीके से काट करके इसे बहुत ही आसान तरीके से इस लौकी के हलवे को बनाया है। तो आप इस तरीके से भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और इस मैं फिर इसमें एक सीटी लगवा देती हूँ, ज़्यादा नहीं लगवाइएगा, नहीं तो जो इसमें पानी ऐड नहीं किया है हमने लौकी में ये नीचे लग जाएगी और इसका कलर भी बहुत ज़्यादा गंदा सा हो जाएगा। तो इसलिए हम फटाफट से इसको खोल देंगे और इनको इस तरीके से पलट देंगे। देखिए हल्का हल्का सा जो है इनका कलर चेंज हुआ है और ये भुन चुकी हैं अच्छे से। तो अभी आप इसमें मिल्क ऐड कर लीजिए, जितना आप चाहें उतना दूध ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत ही थोड़े से दूध में से बना के आपको दिखाया है। दूध आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो, या फिर मावा भी ऐड कर सकते हो, मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने विदाउट मावा विदाउट मिल्क पाउडर इसे बनाया है और ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बना था, बहुत ही अच्छा लगा था। तो यहाँ पे मैंने इसे दो सीटियाँ और लगवा दी और फिर से यहाँ पे खोल लीजिए फटाफट से कुकर को। और जो हमारी लौकी है ये अच्छे से गल गई हैं, अभी हम इनको कूट लेंगे, मैश कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए यहाँ पे मैं चमचे से आपको इन्हें तोड़ के दिखाऊंगी, तो ये अच्छे से कट रही हैं, जहाँ पे मैं चमचा लगा रही हूँ वहीं से कट जा रही हैं। तो इस तरीके से ये पक चुकी हैं अच्छे से और अभी हम इन्हें अच्छे से मैश कर लेंगे। और देखिए दूध अभी इसमें काफ़ी बचा हुआ है, तो फटाफट से कर लीजिए इसे मैश। और अगर आप यहाँ पे मिल्क पाउडर ऐड करते हो तो बहुत ही रिच फ्लेवर आता है, अच्छा फ्लेवर आता है। मैंने तो विदाउट मिल्क पाउडर ही इसे बनाया है। और तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मैश कर लिया है, अभी हम इसे पकाते रहेंगे, गैस ऑफ नहीं करनी है, क्योंकि जो ये हमारा हलवा है बिल्कुल सूखा भी नहीं होना चाहिए और इतना ढीला भी नहीं होना चाहिए, अच्छा सा रसीलेदार हलवा जो है बनना चाहिए। तो इसमें मैंने कर दी है शुगर ऐड, शुगर आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिए कम या ज़्यादा। तो अभी हमने इसमें शुगर डाली है, अभी और थोड़ा सा इसमें जो शुगर है मेल्ट होगी और पानी इसमें आ जाएगा, तो इसे भी हमें अच्छे से पका लेना है। शुगर हमें पहले ऐड नहीं करनी है, नहीं तो जो इसका कलर है बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा फूड कलर डाला है ग्रीन, आप इसे स्किप कर सकते हो, मैं इसे रिकमेंड नहीं करती हूँ, लेकिन ये दिखने में अच्छा लगे इसलिए मैंने थोड़ा सा फूड कलर इसमें ऐड किया है। आप कर सकते हो या स्किप कर सकते हो, ऐसे भी खा सकते हो, तो खाने में तो ये अच्छा ही लगेगा बहुत ज़्यादा। तो इसे मैं लगातार चला भी रही हूँ और अब धीमी आँच पर हम इसे पका लेंगे, क्योंकि इसमें हमने शुगर ऐड किया है, अब ये नीचे लग जाएगा और इसका जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसे धीमी आंच पर हम पकाने के लिए दूसरी गैस पे रख देंगे। तो अभी हम दूसरी गैस पे रख लेंगे एक पैन और उसमें डाल देंगे घी। घी में हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स, इनको हम अच्छे से सोते कर लेंगे। तो ये देखिए इन्हें हम अच्छे से, ड्राई फ्रूट्स आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, जो चाहे आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इसमें ये काजू बादाम और किशमिश डाली है और इनको अच्छे से हम भून लेंगे। जो किशमिश है ये फटाफट से भुन जाती है, फूल जाएंगे बिल्कुल जब भुनेंगे, तो इनको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करने के बाद हम किशमिश को एक साइड निकाल देंगे और जो काजू हैं और बादाम हैं इनको हम थोड़ा सा क्रश कर लेंगे।
तो देखिए भुन गए हैं ये, और इनको अच्छे से क्रश कर लीजिए। और फिर आ जाते हैं हम अपने हलवे पर, और देखिए इसका जो पानी है सूख चुका है, लेकिन हम गैस फ्लेम ऑफ नहीं करेंगे अभी भी, इसे चलते ही रहने देंगे, हल्का हल्का, बिल्कुल तेज़ नहीं करेंगे, धीमी आंच पर इसे कुक कीजिएगा। तो अभी जो मैंने ड्राई फ्रूट्स क्रश करके रखे हैं वो इसमें ऐड कर देंगे, इनको भी अच्छे से मिक्स मिक्स कर लेंगे इसमें। और ड्राई फ्रूट्स आप ज़्यादा ही डालिएगा, क्योंकि हमने इसमें दूध मिल्क पाउडर कुछ भी ऐड नहीं किया है। अच्छे से सारी चीज़ें इसमें ऐड कीजिए और इसे बना लीजिए। और बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस रेसिपी है, आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये कैसा लगा। और अगर आप पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो आपको इसमें कमी लगती है या फिर नहीं पसंद आता है, वो भी ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या इसमें कमी लगी और क्या आपको इसमें अच्छा नहीं लगा, तो ज़रूर से बताइएगा। अभी हम इसे लगातार कुक कर रहे थे, तो अभी हम इसकी कर देते हैं गैस ऑफ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें थोड़ा सा घी हम और ऐड कर देंगे, जिससे कि इसका जो फ्लेवर है थोड़ा और आए और इसमें थोड़ा शाइन आए, तो इसका जो अच्छा सा टेस्ट हो जाए हमारे हलवे का। और ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, ज़रूर से बनाइएगा। और हाँ, अगर आप इसमें शुगर को चाशनी बनाकर आप इसमें ऐड करते हो, फीस में जो हमारी लौकी है ये कद्दूकस करके इसमें आप डालते हो, तो एक अलग ही रेसिपी इसकी जो है बन के तैयार हो जाएगी। उसके बर्फी के बर्फी बना सकते हो, उसके पीसेस कट कर सकते हो, इस तरीके से भी आप इसे बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ये सर्व कर लिया है, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा वॉलनट डाल दिया है। और ये देखिए, देखने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रहा था और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। तो आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियोस देखने के लिए थैंक यू।